ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेकाबू एसयूवी ने चार मासूमों को रौंद डाला और फिर गुस्साई भीड़ ने इस गाड़ी के ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट देखिए। डिवाइडर से टकरा कर पलटी हुई एसयूवी, सड़क पर आगजनी और बच्चों की लाश को सड़क पर रखकर परिजनों का हंगामा। यह तस्वीरें हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां मासूम मंगलवार की रात मौत की नींद सो गए। दरअसल राजधानी पटना में मंगलवार रात एक बेकाबू एसयूवी फुटपाथ पर सो रहे लोगों का काल बन गई। एक के बाद एक इस गाड़ी ने चार लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में तीन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और एक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। राजधानी में हुई इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कार ड्राइवर समेत दो लोगों की जमकर पिटाई की। पिटाई भी इस कदर की, गाड़ी के ड्राइवर ने दम तोड़ दिया और कार में सवार दूसरे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीड़ का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने सड़क पर आगजनी तक कर डाली और शव को सड़क पर रखकर घंटों हंगामा भी किया। पुलिस के मुताबिक यह घटना रात करीब 2 बजे अगमकुआ पार्क के सामने हुई, जहां फुटपाथ पर लोगों को कुचलने के बाद एसयूवी पलट गई। इसके बाद लोगों ने दो कार सवारों को पकड़कर बेरहमी से पीटा, कार में तोड़फोड़ कर आग भी लगा दी और ट्रैफिक जाम कर दिया। पिटाई के बाद नवादा जिले के मनीष को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। एसयूवी गाड़ी है जो कि लापरवाही पूर्वक चलाते हुए रही थी, जिसमें कि रोड के किनारे तीन बच्चे सोए हुए थे, चार बच्चे थे इनफैक्ट, जिसमें से तीन बच्चे की डेथ हो गई है और एक बच्चा इंजर्ड है जो कि हॉस्पिटल में अभी भर्ती है। गाड़ी में भी जो लोग सवार थे उसमें से भी एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि दो व्यक्ति थे, दोनों इंजर्ड हो चुके थे, उसमें से एक की मृत्यु हो गई है। अभी मामला की और हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुई और इसके संदर्भ में हम लोग विशेष जांच। गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई कहां? अभी गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। हादसे में जान गंवाने वाले ये बच्चे गर्मी की वजह से फुटपाथ पर सो रहे थे। सरकार ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।